जितने आप बैठे हैं उनसे भी पूछ रहा हूं और जो गांव में उनसे भी पूछ रहा हूं, कांग्रेस को अगर जिताया तो बोलो कौन विकास हो गया क्या? कांग्रेस कुछ दे सकती है क्या? दिल्ली में भी सरकार नहीं, भोपाल में भी सरकार नहीं, अरे जब थी तब तो कुछ दिया नहीं कमलनाथ, अब क्या करेगा? तुम तो ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहोगे, ट्विटर ट्विटर खेलते रहोगे, जनता को ट्विटर नहीं चाहिए, अरे ये मेरी बहनें बची है इनको ट्विटर कमलनाथ नहीं चाहिए, इनको तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान चाहिए। बोलो बहनों सही बात है कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, किसी भी समाज के हो गरीबों, हमने तय किया है, यहां की व्यथा और तकलीफ देखी है, हम जिन गरीबों के पास एक मकान में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, सास ससुर बेटा बहू चार बहुए आ गई, नाती पोता होकर रहने की जगह ही नहीं है, ऐसे सब लोगों को पट्टा देके प्लाट दूंगा, जमीन का मालिक बनाऊंगा, बैंकों की खेत कराऊंगा। उस गांव गए थे कौन सी साइडिंग? सतना साइडिंग। अब पता नहीं कहा की कंपनी आ गई, गरीब बेचारे बैजर अंग्रेज अभी तक नहीं आए बैजर, अब गरीब रह रहे हैं पता नहीं चार चार पीढ़ियों, उनके पास पट्टे नहीं है, उनके पास पट्टे नहीं है तो सुविधा नहीं मिलती। तो वहां भी मैं कह के आया हूं कोई उन गरीबों को उस धरती से नहीं हटाएगा, पट्टा देके असली मालिक गरीबों को बनाया जाएगा। पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के अंतर्गत गरीब भाई बहनों को जिनके पास रहने की जमीन नहीं है पट्टा देके मालिक बनाया जाएगा, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। बोले होने चाहिए कि नहीं? मेरी बहना तुम भी बोले होनी चाहिए कि नहीं? अब कमलनाथ तुम टूटर टूटर खेलते रहो, इनको तो पट्टा चाहिए, पट्टा अच्छा पट्टा कौन देगा बताओ? अरे बोलो कौन देगा? मामा देगा। अब पट्टा के बाद दूसरी चीज, हमारे सब कार्यकर्ता जाते थे तो सबसे ज्यादा पहले ही पकड़ लेते थे मकान मिले हमें, पीएम आवास योजना का मकान नहीं है। अब ये बात करें तो कलेक्टर कहते कि सूची में नाम ही नहीं है, सूची बनी थी 2011 में, कई गरीबों के नाम छूट गए, छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बात कर रहे हैं पर बता छूट गए कि नहीं? छूट गए। अब छूट गए तो उनको मकान मिल ही नहीं सकता। अब भैया बहनों जब बताओ सूची कोई ब्रह्मा जी ने बनाई है क्या? अरे भाई ब्रह्मा जी ने बना दी क्या सूची? बनाई आदमियों ने, इंसानों ने। अब हमने और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नियम बदल दिया कि 2011 की सूची पूरी हो गई अब नई सूची बनेगी, और जिनके नाम आवास योजना में नहीं है आवास प्लस की सर्वे की सूची बना के उनके नाम जोड़े जाएंगे। जोड़ना चाहिए कि नहीं? और इसके नाम कौन जोड़ेगा? अरे जोर से बताओ कौन जोड़ेगा? तो पहले सूची में नाम जोड़ेंगे और फिर सबके पक्के मकान के लिए पैसा देंगे। कमलनाथ को नहीं दे सकते, ना कांग्रेस दे सकती, एक साल में सबको नहीं मिलेंगे क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते। सूची बनेगी, मान लीजिए 17 जिले में 1 लाख मकान निकले तो 1 साल 25,000 देंगे, दूसरे साल फिर 25,000 देंगे, तीसरे साल फिर 25,000 देंगे, और ऐसे करके सबको पक्के मकान के लिए राशि दे दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों चुनाव काहे के लिए होता है? ट्विटर खेलने के लिए थोड़ी होता है, जनता के कल्याण के लिए होता है। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, ये कमलनाथ जी ने सारी योजनाएं हमारी बंद कर दी थी, राशन की सूची से कई नाम काट दिए। अब सुन लो,
जिनके नाम राशन की सूची में से कट गए थे उनके नाम जोड़ के कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहने दिया जाएगा। अब कमलनाथ राशन दे सकते हैं क्या? कौन देगा? और भैया सुनो, अपने भांजे भांजियों की फीस भराने के लिए हमने संबल योजना बनाई। संबल योजना में तय किया कि चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी, कोई नहीं छोटा, सर्व समाज अगर बच्चे प्रतिभाशाली है और उनकी बुद्धि से उनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में भी होता है, कोई और कोर्स में होता है, तो फीस होती है 8 लाख रुपया साल। बताओ कोई भी समाज का गरीब भरवा सकता है क्या? हमने योजना बनाई थी फीस भरवाने की, कमलनाथ दादा तुमने बंद कर दी। आज हम कहने आए हैं चिंता मत करना, पढ़ो मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारा सिलेक्शन अगर होगा और मेडिकल कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया साल की होगी तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कमलनाथ के पास क्या धन है बताओ कोई? और इसलिए ये जन कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, बीमार अगर हो गए तो प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, उन्होंने आयुष्मान भारत योजना बनाई और उस योजना में तय किया कि प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में फ्री में करवा के दिया जाएगा। हमने आयुष्मान कार्ड बनवाए, कौन कौन से कार्ड बनेगा हाथ बनाओ, अच्छा हाथ नीचे करो, कौन कौन से नहीं बने वो बताओ, कई के बन गए कई रह गए। तो नागेंद्र सिंह जी आप भी बैठे, सांसद जी हमारे बैठे, शंकर लाल जी गरीबों के नेता बैठे, बनवा दो भैया सबके, कोई को मत छोड़ो, अपनी सरकार है, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और सुनो मेरी बहनों, संबल में लड़ुआ के पैसा देते थे हम, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, दो बच्चों तक 4,000 पहले 12,000 बाद में। कमलनाथ दादा को मेरी बहनों का लड़ुआ भी पसंद नहीं आया, तुम्हारे मुंह से लड़ुआ छोड़ा दिया, लड़ुआ वाली योजना भी बन। अब सुन लो, संबल फिर से चालू, इसलिए 16,000 रुपया जो बहने बेटा बेटी को दरम देगी उनको कुल मिला के दिया जाएगा। बोलो दादा चले कि नहीं, कौन देगा? और इसलिए मैं कह रहा हूं कितनी योजना मैं आपको गिनाऊं जो कमलनाथ दादा ने बंद कर दी थी। हमारे बेटियों की शादी 51,000 कहा कि देंगे, शादी हो गई, डोली उठ गई, भांजे भांजे आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया, कमलनाथ ही चले गए। अब फिर से कन्यादान योजना चालू, अब कोरोना पे कंट्रोल है, बेटियों की शादी होगी, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, कौन ले जाएगा? ये सब योजना मैं गारंटी देने आया हूं, ये फिर से प्रारंभ की जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, विकास की गारंटी, जन कल्याण की ये योजनाओं को लागू करने की गारंटी, और तीसरे आपके सम्मान की गारंटी, आपकी इज्जत की गारंटी। कई लोगों ने इस प्रश्न को उठाया कि हमारी सुनी जाए, हमें देखा जाए, हमारी पूछ कम होती है। मैं आज कह रहा हूं इस भरी सभा में, कोई भी समाज उपेक्षित नहीं रहेगी, सबके सम्मान का मैं वचन देता हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसलिए सामान्य वर्ग के लिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग हिंदुस्तान में सबसे पहले बनाया तो शिवराज सिंह चौहान ने बनाया, पंडित शिव कुमार चौबे उसके अध्यक्ष है, अब वो आएंगे
आपसे चर्चा करेंगे और सामान्य वर्ग ब्राह्मण छत्री वैश्य की समस्या का समाधान करके नई योजनाओं को जन्म देंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बना, वो पिछड़ा वर्ग का मामला देखेगा। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, वो उनके कल्याण के मामले देखेंगे। कोई अछूता नहीं रहेगा, सबका सम्मान सुरक्षित रखते हुए रहगांव आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। और हाथ जोड़ के आज आपसे निवेदन करता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, इन सब कामों को अगर हमको चलाते रहना है, विकास की डंडा बहाना है, इन योजनाओं का लाभ लेना है, तो कांग्रेस का विधायक अगर बन गया तो 2 साल लड़ाई में ही निकल जाएंगे। वो क्या करेंगे, आंदोलन करो, प्रदर्शन करो, धरना करो, पूरे 2 साल निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? कोई काम हो पाएगा, कोई काम नहीं होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं 2 साल बेकार करना चाहिए क्या? अरे सब बताओ, करना चाहिए क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, कोई भी कांग्रेस को वोट क्यों दे, ठंडे दिमाग से सोचिए, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए, विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, कमल के फूल की बटन दबाए। हमारी बेटी प्रतिमा, थोड़ी डॉक्टर उसको देख रहा है, लेकिन मैं प्रतिमा से कहना चाहता हूँ, काहे को घबराती बेटी? अरे तेरे ऐसे ऐसे मामा है, काहे को चिंता करती है तू? आरोप आरोप लगाते रहते, काहे को परेशान हो? इतना डरने की जरूरत नहीं है। लगाने वालों ने तो मैया सीता पे भी आरोप लगा दिए थे, काहे की चिंता करना? ये कहने वाले कहते रहते, चिंता मत करो प्रतिमा, पूरी भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे साथ है, विष्णुदत्त शर्मा तुम्हारे साथ है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारे साथ है, अमित भाई तुम्हारे साथ है, जेपी नड्डा तुम्हारे साथ है, और ये नेतृत्व बैठा है, इसका हाथ तुम्हारे सर पर है, चिंता मत करो, सबका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। और तुम्हारे चुनाव जीतने के बाद ये सारे काम प्रारंभ होंगे। और इसलिए मैं अपने दोनों हाथ उठा के प्रतिमा को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप भी बहनों भाइयों, आज ऐसे हाथ करके प्रतिमा को आशीर्वाद दे दो और आश्वस्त कर दो कि बेटी चिंता मत कर, ये जनता तुम्हारे साथ है। और इसके साथ ही संकल्प ले लो कि प्रतिमा को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, बेटी के अपमान का बदला लेंगे, विकास का साथ देंगे, जन कल्याण का साथ देंगे। और इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के, कमल के फूल का बटन दबाने का संकल्प लेंगे। और 3 दिन चैन से नहीं बैठेंगे, दिन और रात काम करके एक एक वोटर निकालेंगे, जो नहीं समझा उसको समझाएंगे, हर एक को निकाल के कमल के फूल की बटन दबवाएंगे। प्रतिमा आ जाए, चिंता मत कर बेटी, क्या तो तेरा मामा, जब तक जी मैं भैया तुम रहो तुमको कौन कोई परवाह, कौन चिंता करने के लिए लोग चाहिए? और इसलिए उतार दिया दोनों हाथ, बांध दिया दोनों मट्टी, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भजना वाली मैया की, मैया वाली माई की, हरे हरे महादेव। एक बार प्रतिमा की तरफ ऐसे हाथ कर दो, तुम आशीर्वाद, ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़ो। और कांताराम स्वामी की बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमको भागना पड़ेगा, बिल्कुल तुम्हारे हवाले को तुम साथियों को एक कसर में छोड़ देना। मैं माननीय धर्मेंद्र सिंह हुसैन जी से आग्रह करूंगा कि उपस्थित जनता जनार्दन और मंचस्थ अतिथियों का आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। धर्मेंद्र सिंह हुसैन जी जो हमारे प्रभारी हैं और